नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार हूँ मेरे सेंटर से और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जैसा कि आप थंबनेल देख के जान ही होंगे। उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना होम्योपैथ की एक ऐसी दवा है जहाँ तक मुझे लगता है कि होम्योपैथ इसके बिना बिल्कुल अधूरा है। अभी मैं बताता हूँ अर्निका मोंटाना, पूरा इसका रिव्यू में बताऊँगा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरह के इसके साइन एंड सिम्टम है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। पहले तो हम शुरू करते हैं कि अर्निका मोंटाना है क्या। देखिए अर्निका मोंटाना एक प्लांट सिम्टम की मेडिसिन होती है, ये दवा प्लांट से बनती है और ये जो दवा है इसका जो असर होता है शरीर पे वो वेंस पे होता है, मतलब कि सिराओं पे। सिराओं मतलब कि जिसमें दो तरह के खून होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है एक आर्टरी होती है, तो इसका असर सिराओं पे होता है। वेंट्रिकल पे मतलब जहाँ पे जो नीला खून जिसको जो सेल से होके गुजर जाता है उस पर इसका असर जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो है अर्निका मोंटाना का यूज कैसे कैसे करना है और कब कब इसका यूज होता है पूरी पोटेंशियल। पहले हम शुरू करेंगे मदर टिंचर से। देखिए दोस्तों जो मदर टिंचर होम्योपैथ की जो दवा होती है अर्निका मोंटाना, इसको पहला यूज, ऐसे तो ये चोट की दवा है, इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट लगाने, पहले मैं इसको बात करूँ लगाने में। देखिए दोस्तों पहले जैसे कहीं भी आपको चोट लग गया शुरू में तुरंत, जैसे मान लीजिए आज कल परसों एक हफ्ता 15 दिन के अंदर अगर कहीं भी आपको चोट लगा है और अभी तक आपको दर्द फील हो रहा है, मतलब उसमें अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, हल्का सा वो नीला हो गया है, आपको दिख रहा है कि यहाँ ब्लड का क्लोटिंग हो गया, मतलब खून जमा हो गया, आपको महसूस हो रहा है यहाँ खून जमा होने का मतलब आप समझ गए कि वो ब्लड जो है गंदा हो गया, मतलब सेल्स के मेम्ब्रेन से वो खून बाहर आ गया है और उसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। मतलब वो खून का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जब कहीं पे जब चोट लगता है तो जो ब्लड के जो सेल्स के अंदर जो ब्लड होते हैं वहाँ से वो निकल के फट के बाहर हो जाता है, मतलब सेल्स मेम्ब्रेन के बाहर हो जाता है, एक खाली जगह में वो पैक हो जाता है। उससे क्या होता है कि खून का जो है ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है, जबकि जिससे कि अगर जिस खून में ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन मतलब कि फेफड़े तक पहुंचेगा, वहां से वो ऑक्सीजन लेगा, फिर वो जाकर उसमें मिनरल्स लेंगे, फिर जाकर वो सेल्स को देगा, तब जाके वो प्योर खून बना जाएगा। अगर उसमें ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फंसा रह जाएगा और जानते हैं शरीर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फायदेमंद नहीं है, तो वो वेंट्रिकल गंदा खून हो गया, उसका कोई यूज नहीं, वो वहीं पड़ा है। अब जो बहुत दिन तक पड़ा रहेगा क्या, वो सेल्स को ब्रेक कर देगा, मतलब वो तोड़ेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो उसके लिए जो है अर्निका मोंटाना मदर टिंचर को, जैसे आपको अभी आप गिर गए, वैसी चोट जिसमें खून ना निकला हो, याद रखिएगा वो चोट में जिसमें खून ना निकला हो, बस दर्द महसूस हो रहा है, मतलब लाल है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ यहाँ पे चोट लगी है मुझे, हल्की सी दवाने दर्द हो रहा है, टीशन पर दर्द हो रहा है, नीला पड़ गया है और दाग, हल्का सा जो है दाग आ गया है, हाँ क्लोटिंग ब्लड का क्लोट हो गया, जमा हो गया, तो उस पे आप जो है अर्निका मोंटाना को लगा सकते हैं। याद रखिए अर्निका मोंटाना कभी भी गर्म पानी से मत लगाइएगा, जब भी लगाना है ठंडा पानी से लगाना है, ठंडे पानी में उसको डाल दीजिए, मतलब नॉर्मल पानी, ठंडे पानी डाल करके आप उसको हल्का सा ऐसे से कपड़े से धो सकते हैं 2-3 बार दिन भर में, वो आपको पहला यूज मदर टिंचर का यहाँ हो गया। अब एक स्टेप में थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। अर्निका मोंटाना जो है बालों के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको बाल में दिक्कत है, बाल झड़ने की समस्या है, बाल काले नहीं हो रहे, घने नहीं हो रहे, डैंड्रफ वगैरह है, तो अर्निका हेयर ऑयल होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो है अर्निका मदर टिंचर क्या करिए, आधा गिलास पानी लीजिए, 25-30 बूंद उसमें डालिए, ठीक है, और उस पानी को हल्का हल्का सर पे गिरा या कपड़े से ऐसे गिरा दीजिए और मसाज करिए खूब, ऐसे जैसे भी आपको करना है खूब मसाज आप कर सकते हैं, उससे आप क्या है बाल की जड़ों तक जाएगा वो दवा और आपको बालों के लिए अर्निका मोंटाना मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करेगा। एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब होता है अर्निका मोंटाना 30 पोटेंसी शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों 30 पोटेंसी क्या है, कि ये 30 पोटेंसी का सिस्टम ये है कि जैसे कि आपको कहीं पे भी मांसपेशी में चोट लगाओ, कहीं भी मांसपेशी में चोट लगे, यहाँ वहाँ इधर कहीं भी, एवरीवेयर यू कैन हिट एन विद एनी थिंग यू कैन यूज इट। सो
अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर 30 को कब लेना है। देखिए 30 का सीधे से मानिए 30 दिन, अगर कोई भी चोट 30 दिन से ज्यादा हो गया, ठीक है, 30 दिन से ऊपर हो गया या 30 दिन से नीचे है, मतलब 30 दिन के अंदर है और करीब 30 दिन से ऊपर, मतलब कि 60 दिन, 30 दिन से नीचे और 30 दिन से ऊपर, मतलब कि 60 दिन, 60 दिन के बीच में कोई भी चोट लगा है, तो अब अग्नि का 30 पोटेंशियल लीजिए, बहुत ही अच्छा ये काम करता है। खासकर अगर 30 में क्या होता है, उस चोट के कारण आपको मतलब इरिटेशन हो रहा है, परेशानी हो रहा है, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पर, मतलब कि चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है वहाँ पर कुछ रेंग रहा है, मतलब आज यहाँ पे लगेगा जैसे इतना दूर कुछ रखा हुआ है, एक कुछ कोई चीज़ यहाँ चिपका हुआ है, इस तरह का अगर सिम्टम महसूस हो रहा है तो आर्निका 30 पोटेंसी में आप लीजिए। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आर्निका 200 पोटेंसी, 200 पोटेंसी वहाँ यूज होती है जब बीमारी जो है 3 महीने पहले आपको चोट लगा है। अब यहाँ एक बार मैं साइकिल से गिर गया था, 3 महीने पहले अगर चोट लगा, कहीं भी शरीर में चोट लगा है, तो आर्निका जो है 30 पोटेंसी, सॉरी 200 पोटेंसी में आप इसको यूज करिए, 3 महीने पहले अगर चोट लगा है तो 200। ऐसे सर में अगर आपको कहीं ब्लड क्लॉट हो गया है, जिसे कभी कभी आप गिर जाते हैं पता नहीं लगता है, ऐसे भी अगर सर में कहीं भी क्लॉटिंग है ब्लड के, तो उसमें भी अर्निका जो है 200 पोटेंसी बहुत ही अच्छा काम करता है। सर में चोट लग गया हो या मांसपेशी में कहीं भी क्लॉट खून जम गया हो, वेंस की खून साफ नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि सबके शरीर पर कहीं कहीं नीले नीले दाग पड़ जा रहे हैं, कहीं कभी कभी होता है ऐसे कहीं कहीं नीले नीले आपको चकत्ते ऐसे आ जाते हैं, जिसको ब्लड क्लॉटिंग का पैच कहा जाता है, एक तरह से क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड वो गाढ़ा हो जाता है, ब्लड दूषित हो जाता है, उसमें ये 200 पोटेंसी बहुत ही अच्छा काम करती है। अब हम चलते हैं आगे, अर्निका मोंटेना 1 ml। अच्छा हाँ, एक चीज मैं भूल गया, 200 पोटेंसी आप घुटने के दर्द में भी आप यूज ले सकते हैं, किसी भी तरह घुटने का दर्द हो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा साइंटिफिक ले जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सिंपल जो आपको सिम्टम होता है और जो सिम्टम आप जानना चाहते हैं मैं उसी को बताऊंगा, तो उसमें आप इसको यूज कर, जहां भी आपको लगे ब्लड क्लॉट हो गया है, जमा हो गया, बस टाइम पीरियड बदल जाएगा पोटेंसी हिसाब से। अब चलते हैं 1 ml पोटेंसी में, देखो दोस्तों 1 ml पोटेंसी और CM 1 lakh पोटेंसी एक करीब करीब सेम, CM बहुत कम ही चलता है, ज़्यादा तो 1 ml ही यूज किया जाता है, बहुत रेयरली CM चलता है, मतलब ज़्यादा 1 ml का, क्योंकि देखिए होता है कि जो प्लांट के अंदर की मेडिसिन होती है उसकी पोटेंसी बहुत दूर नहीं जाती है, मतलब कि मदर टिंचर 30, 200, 1 ml, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अगर जो केमिकल जैसे कल्केरिया फ्लोर हो गया, कैलेडियम हो गया, प्रोमाइट हो गया, ये सब जितने भी केमिकल जो कैटेगरी के किंगडम के मेडिसिन है उनकी पोटेंसी दूर तक जाती है, मतलब 1 ml से लेकर के आप CM 10 ml तक भी दे सकते हैं, 200 भी दे सकते हैं, तो उसकी शुरुआत ही 200 से होती है। लेकिन ये जो प्लांट की मेडिसिन है ये 30, 200, 1 ml बहुत ज़्यादा जाता है, इतना से ज़्यादा मैं ही सुन जाता है, बहुत आगे जाने की जरूरत कम ही पड़ती है, रेयरली। हाँ तो हम बात कर रहे थे 1 ml पोटेंसी की, दोस्तों 1 ml जो पोटेंसी होती है ये बहुत ज़्यादा, अगर क्रॉनिक आपको चोट लग गया है बहुत ज़्यादा, मतलब आप जिसे कहते हैं कि एक बार मैं बचपन में गिर गया था तब से ऐसा हो रहा है, एक बार मैं 10 साल पहले गाड़ी लेके गिर गया था, 4 साल पहले गाड़ी लेके गिर गया, ये हो गया था, मतलब बहुत पुराना गिर गया था और उस वजह से आपको समस्या होने लगी है, बहुत ज़्यादा किसी किसी ने लड़ाई झगड़े में चोट लग गया है, और किसी ने धर के कूट दिया आपको बर्तन, कभी ऐसा होता है कभी लड़ाई झगड़े में बर्तन पिटाई हो जाती है, उसमें तो फील नहीं होता है, लेकिन बाद में क्या होता है अंदर ही अंदर वो क्लोटिंग बन जाता है और आपकी इस तरह की समस्या जो है पैदा होने लगती है, तब आपको अर्निका मोंटेना 1 ml पोटेंसी में आप इसको यूज कर सकते हैं। खासकर ये चोट के कारण जो दर्द होती है, चोट के कारण जो भी दर्द आपको है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा और भी कुछ मैं बता दूं, जैसे बहुत ज़्यादा आपने काम कर लिया, कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, ये तुरंत देखिए बहुत ज़्यादा, जैसे कल यार इतना काम कर लिया कि मैं बीमार हो गया, तो 30 लीजिए सीधा सीधी 30 पोटेंसी में। फिर लोग जैसे बहुत सारे कहते हैं कि ये जिम में गया यार, कल इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर दी कि आज जैसे पूरे बदन कुथन है, दर्द है महसूस हो रही, इस तरह का दर्द महसूस, क्योंकि मांसपेशी आप फट रही है, तो उसमें आप 30 पोटेंसी यूज कर सकते हैं अर्निका 30 पोटेंसी, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, इसका ज़्यादातर यूज़ यही है, और भी बहुत सारे इसके यूज हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के सलाह के आप उसको नहीं ले सकते, कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप अगर उससे ज़्यादा है इतना आप ऐसे भी जनरल लेकर के दवा खा सकते हैं जितना मैंने बताया ऑनलाइन, और ऐसे अगर आप पूरी अगर जानकारी चाहते हैं तो फिर इसको पूरे एक्सप्लेनेशन डॉक्टर
से आप सलाह से लेंगे तो वो पूरी सिम्टम को पकड़ के आप देंगे। जैसे बहुत सारे हैं, चोट लगने के कारण कोई दूसरी बीमारी हो जाना, जैसे चोट लगने के कारण जो है आपका हाइड्रोसिल बढ़ जाना, जैसे चोट लग जाने के कारण सर में ट्यूमर हो जाना, जैसे चोट लग जाने के कारण जो है डिप्रेशन में चला जाना, तो ऐसे ऐसे करके कई सारे इसके सिम्टम हैं। और मानसिक है और वेंस के डिजीज जैसे वेरिकोज वेन है उसमें भी ये चलता है। तो ये डिपेंड करेगा कि वो डॉक्टर जो है, जो आपको अगला डॉक्टर है जो सामने आया, डॉक्टर की सलाह से भी आप लें तो ज़्यादा वो सिम्टम पकड़ में आएगी तो मेडिसिन काम करे। ये मैंने एवरेज आपको बताया जिससे आप स्वयं लेकर भी आप यूज कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो और अर्निका मोंटाना आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों को वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको अगली जो है मेडिसिन, किस मेडिसिन का आप रिव्यू चाहते हैं, उस मेडिसिन का मैं रिव्यू बताऊंगा। और अपना भी एक्सपीरियंस आप बताएं, क्या कभी आपको चोट वोट लगा है तो फिर आप कर सकते हैं कमेंट में जवाब। अगर आप हमारे तरफ से किसी भी विशेष बीमारी से, क्रॉनिक डिजीज जो बीमारी आपको ठीक नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसके लिए आप मेडिसिन हमारे रिसर्च सेंटर से मंगवा सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन हमने व्हाट्सएप का आपने नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके आप जो है वहाँ पेमेंट दे करके आप मेडिसिन हमें मंगा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी।